बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो जी, आज सैटरडे का दिन था और बहुत ही, जैसे कह सकते हैं, पुरसकून, लेजी, काम सा दिन, क्योंकि आज जो है तो छुट्टी थी। आज छुट्टी है। जब बच्चों की छुट्टी होती है तो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी छुट्टी होती है। तो बस आज आराम आराम और सिर्फ आराम किया। तो कौन कौन मेरे साथ एग्री करेगा कि जिस दिन बच्चे की छुट्टी होती है तो रात से ही एक सुकून होता है कि बस जी कल हमारी भी छुट्टी है। तो बच्चे तो खैर सुबह ही सुबह उठ गए थे और खेल रहे थे। मैंने भी कहा चलो खेलो तुम लोग, और मैं तो एज़ यूजुअल अपने काम कर रही थी। ठंड है तो मैंने बाहर लाउंज में ब्लोवर लगाया हुआ था और कपड़े इस्त्री कर रही थी। और ये सूट जो है, मैं तो गर्मियों में कॉटन से तंग होती हूँ, तो ये खदर का सूट है और सर्दियों में मुझे इस पे पानी का स्प्रे करके इसको इस्त्री करना पड़ रहा है। वॉइस ओवर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होगी, खुश बस होगी, ठीक ठाक होगी और फिट फाट होगी। और कैसे आप सब? ये भी नेल पॉलिश लग गया, इतर जरियात है ये हमारा फ्लफी बेड है। ये मैंने नई बेडशीट, नई तो नहीं है, ये मेरी शादी की है। ये मेरे अब्बू मेरे लिए सऊदीया से लाए थे, जो कंबल वाला बेडशीट सेट होता है। लेकिन ये मैं बच्चों की वजह से नहीं बिछाती थी कि बस बच्चे, जाहिर है एक तो इसका कलर बहुत हल्का होता है, बच्चे बहुत गंद वगैरह मचाते हैं। इस साल मैंने सोचा कि मैं मोटे जितने भी बेडशीट्स हैं वो बिछाती हूँ। तो मैंने सोचा बस यही मैं बिछा दूँगी और बहुत ही नरम, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी, मिशाल के लिए मैंने नूडल्स बना लिए और मैं छोले बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बॉयल्ड छोले बहुत पसंद है। और आज की शाम की चाय में सिर्फ मैं और मिशाल थे, सिर्फ हमने ही चाय इंजॉय की, क्योंकि ज़रियाब अपने बाबा के साथ सैर के लिए गया है। तो वापस जब वो आएंगे तब अपनी स्टोरी सुनाएंगे कि किस तरफ गए, क्या किया उन्होंने, कैसे इंजॉय किया उन्होंने। तो बस देखते हैं कि उन्होंने आज क्या किया। तो जी, आज मैंने एक काम तो बहुत सारे किए, एक मैंने ज़रा सा इस तरह का किया, मेकओवर वाला। वो मैंने ऐसे किया कि बच्चे गर्मी हो तो भी अंदर जो है तो कमरे में खेलते हैं, सर्दी हो तो भी अंदर, क्योंकि गर्मियों में जाहिर है मैं एसी लगाती हूँ तो बच्चों को अंदर ही रखती हूँ, सर्दियों में अभी ब्लोवर, तो ये इनका प्ले एरिया है तो इस पे ये बैठे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जगह थोड़ी सी नरम होनी चाहिए, तो ये रग में लाउंज, जो लाउंज है वहाँ से ले आई हूँ। ये दो कुशंस मेरे घर में पड़े हुए थे, बस इनको यूज़ कर लिया। बच्चे अपना जो है हाउस साफ कर रहे थे तो मैंने यहाँ कुशंस रख दिए कि कुशंस पे बैठेंगे। ये बास्केट में सारे टॉयज़ रख दिए, डॉल हाउस रख दिया। और जो ड्राइंग रूम में, जो यहाँ मैं दीवार पे कोई पेंटिंग या कुछ बच्चों के लिए लगा दूँगी। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।